और इसी बीच एक बड़ी खबर यहां पर आ रही है, आपको बता दें इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर यहां पर हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं रायसेन से आ रही है, जहां पर इंडिया न्यूज ने खबर चलाई थी, इसका बड़ा असर यहां पर हुआ है। रायसेन कलेक्टर ने एक मामले का संज्ञान लिया। आपको बता दें हमारे चैनल ने ड्यूटी के दौरान अनुपस्थित डॉक्टर को शो कॉज नोटिस जो है कलेक्टर ने जारी कर दिया। ये खबर हमारे चैनल ने चलाई थी। डॉक्टर नहीं होने से दो घंटे तक गर्भवती, आपको बता दें जो दीवानगंज स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर तड़पती रही थी, ना ही वहां पर कोई डॉक्टर मौजूद था, ना ही कोई स्वास्थ्यकर्मी, ना ही कोई भी कर्मचारी वहां पर। और जिसके बाद हमारी न्यूज का कह सकते हैं खबर का असर यहां पर हुआ है, कलेक्ट्रेट ने इसमें एक्शन लिया है। रायसेन के कलेक्टर ने इस मामले में बड़ा संज्ञान यहां पर लिया है। ड्यूटी के दौरान अनुपस्थित डॉक्टरों को शो कॉज नोटिस भी यहां पर जारी कर दिया। डॉक्टर नहीं होने से आपको बता दें दो घंटे तक गर्भवती महिला तड़पती रही थी स्वास्थ्य केंद्र में। रायसेन के दीवानगंज के स्वास्थ्य केंद्र का यह मामला था जिसकी प्रमुखता से हमने खबर चलाई थी। इसके बाद यहां पर कलेक्टर ने एक्शन लेते हुए जो वहां पर अनुपस्थित डॉक्टर थे उनको शो कॉज एक नोटिस जारी कर दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं रायसेन से, जहां पर इंडिया न्यूज की खबर का एक बड़ा असर यहां पर हुआ है। रायसेन के दीवानगंज स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नदारद दिखे, साथ ही वहां पर कोई स्वास्थ्य कर्मी भी मौजूद नहीं था। रोहतास से खबर चलाने के बाद इसमें एक्शन लिया है कलेक्टर ने, और जो वहां पर डॉक्टर अनुपस्थित थे उनको एक शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है कलेक्टर ने। तो ये तस्वीरें हैं रायसेन के स्वास्थ्य केंद्र की, आपको बता दें यहाँ पे मरीज तो हैं लेकिन डॉक्टर मौजूद नहीं है, ना ही कोई यहाँ पर कर्मचारी आप देख सकते हैं कोई भी मौजूद नहीं, खाली पड़ा है यहाँ पर पूरा का स्वास्थ्य केंद्र जो है यहाँ पर पूरी तरह से। और ये मरीज यहाँ पर गर्भवती महिला है, दो घंटे तक तड़पती रही है, ना ही यहाँ पे कोई डॉक्टर दिखा, ना ही कोई कर्मचारी। हमने इस खबर को यानी इंडिया न्यूज ने इसे प्रमुखता से चलाया, जिसके बाद रायसेन के कलेक्टर ने इस मामले में संज्ञान ले लिया है और यहाँ पर जो अनुपस्थित डॉक्टर रहे थे उन्हें एक शो कॉज नोटिस जारी कर दिया, यानी कि अब उनको जवाब यहां पर देना होगा। तो ड्यूटी के दौरान अनुपस्थित क्यों रहे डॉक्टर ये भी उन्हें बताना पड़ेगा। तो ये बड़ा कह सकते हैं संज्ञान लेते हुए कार्रवाई बड़ी यहां पर की है कलेक्टर ने। तो ये रायसेन का दीवानगंज स्वास्थ्य केंद्र का ये मामला है, आपको बता दें जहां पर एक गर्भवती महिला पहुंचती है मरीज, तो दो घंटे तक यहां पर तड़पती रहती है, दो घंटे तक ना ही वहां पर कोई स्वास्थ्यकर्मी और ना ही कोई डॉक्टर वहां पर मौजूद मिला था। परिजन जो थे वो भी परेशान यहां पर होते हैं, मरीज तड़पता रहता है। अब इसके बाद जो खबर थी हमने प्रमुखता से चलाई, जिसके बाद इसमें कह सकते हैं कार्रवाई यहां पर हुई और रायसेन के कलेक्टर ने अनुपस्थित डॉक्टर को नोटिस भी जारी कर दिया है। तो बड़ी लापरवाही का कह सकते हैं मामला यहां पर सामने आया, क्योंकि अस्पताल यहां पर हमेशा डॉक्टर मौजूद रहने चाहिए, ना ही कोई इमरजेंसी के लिए डॉक्टर था, और मरीज के पहुंचने के बाद भी करीब दो ढाई घंटे तक बताया जा रहा है कि वहां पर डॉक्टर नहीं पहुंचते हैं। तो एक बड़ी लापरवाही कह सकते हैं और बहुत ही इनसेंसिटिव जो यहां पे कह सकते हैं जो डॉक्टर्स हैं वो, क्योंकि मरीज दो घंटे तक तड़पता वहां पर रहा और उन्हें कोई फिक्र नहीं है। और इसी पर जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता हैं अजय गोयल। अजय, क्या कुछ फिलहाल इस मामले में कार्रवाई हुई है? आप कौन? जी बिल्कुल, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँ रायसेन में जी महज आधे घंटे पहले खबर को प्रमुखता से दिखाया था कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है दीवानगंज का, वहाँ प्रसूता दो घंटे से तड़प रही है। इसी मामले में रायसेन कलेक्टर जो है अरविंद दुबे, उनने तत्काल संज्ञान लिया और जो डॉक्टर ड्यूटी के दौरान अनुपस्थित रहे डॉक्टर को तत्काल ही कारण बताओ नोटिस जारी किया है। वहीं जो बीएमओ और नदारद सभी स्टाफ को लंबी फटकार लगाई है। जी हेलो, जी जी मिल रही है आपकी आवाज़? मिल रही है जी, मैं बिल्कुल यहाँ पर बताना चाहूंगा कि बात आपकी हुई है क्यों वहाँ पर मौजूद नहीं थे, कुछ आपकी बात वहाँ पर हो पाई है? बिल्कुल, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जैसे ही इंडिया के यहाँ पर दो घंटे से परेशान है लेकिन यहाँ पर ड्यूटी के दौरान एक भी डॉक्टर उपस्थित नहीं है। इसके बाद इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से इसको खबर को दिखाया था और खबर दिखाने के महज आधे घंटे बाद ही जो यहाँ के कलेक्टर है अरविंद दुबे, उन्होंने मामले में संज्ञान और जो जिम्मेदार ड्यूटी पर
नहीं थे मौजूद उन सभी जिम्मेदार अधिकारियों को फटकार लगाई है। वहीं ड्यूटी पर अनुपस्थित रहने वाले डॉक्टर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। वहीं उन्होंने एक बात और भी कही है कि अगर प्रसूता को जितनी भी परेशानी हुई है, अगर इस परेशानी का अगर उनको उन पहले पता चल जाता तो शायद प्रसूता या उसके परिजनों को इतना परेशान नहीं होता होना पड़ता। वहीं उन्होंने इंडिया न्यूज के भी धन्यवाद किया कि आपके माध्यम से हमको ये जानकारी मिली और हम इस पर कार्रवाई कर सके। अगर आप हमें ये जानकारी नहीं दे पाते तो हो सकता है ये डॉक्टर ऐसे ही नक्कारी करते रहते और ये जो ग्रामीण जन है वो परेशान होते रहते। तो कहीं ना कहीं अरविंद दुबे ने इंडिया न्यूज का भी धन्यवाद किया कि आपके माध्यम से हमको ये जानकारी मिल सकी है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय पूरी जानकारी के लिए और खबर को प्रमुखता से दिखाने के लिए भी, क्योंकि हमारे सहयोगी ने खबर भेजी, हमने चलाई और बड़ी कार्रवाई यहां पर हुई है। और अब जो कलेक्टर है वहां के, आपको बता दें उन्होंने भी धन्यवाद किया है चैनल का, क्योंकि इसकी वजह से काफी समय से जो ग्रामीण है वो परेशान हो रहे थे और इसी तरह से जो डॉक्टर्स थे वहां पर वो लापरवाही करते नजर आ रहे थे और अब इससे बड़ी कार्रवाई की, अब डॉक्टरों को इसमें जवाब देना होगा। तो रायसेन कलेक्टर ने इस मामले में संज्ञान लिया है। प्रमुखता से खबर चलाने के बाद ये डॉक्टरों की लापरवाही सामने आई है और ये कोई पहली बार ऐसा नहीं है। इससे पहले भी डॉक्टर इस तरह से नाराज रहे थे और कहीं ना कहीं जो ग्रामीण थे वो परेशान होते रहते थे। इसके बाद कलेक्टर ने भी धन्यवाद किया है हमारे सहयोगी का, क्योंकि कहीं ना कहीं अब जो ग्रामीण है वो परेशान नहीं होंगे और यहां पर डॉक्टर समय पर मौजूद मिलेंगे। और इसी पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनील राय, बीएमओ हैं। सर, क्या कुछ आपको लगता है जिस तरह से हम परिस्थिति यहाँ पे देख रहे हैं कि मरीज हैं परेशान होते रहते हैं, डॉक्टर वहां पर मौजूद नहीं थे, तो क्या ये परिस्थितियां हमेशा से वहां पर इस तरह की रहती थी? ये अभी मैंने विजिट किया है, वहाँ देखा है जी, वहाँ अभी वर्तमान में तो डॉक्टर नहीं थे, स्टाफ नर्स थी और जो बर्थ अटेंडेंट थी वो लेबर रूम में थे और पेशेंट को एग्जामिन कर रहे थे। बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं अब देखा दो घंटे तक मरीज वहां पर तड़प रहा है, कोई इवन डॉक्टर के अलावा जो और कोई कर्मचारी होता है कोई भी वहां पर नहीं, कोई वार्ड पर कुछ भी नहीं है, तो ऐसे में मरीज आएंगे तो किससे बात करेंगे, क्या करेंगे? कुछ वहां पे मरीज भी परेशान होते हैं। ये अभी मैंने अभी गया था, मैंने विजिट किया है और वहां पे जो इंचार्ज है उसको मैंने उनसे शोकाज नोटिस जारी करके पूछा है कि किसकी ड्यूटी थी और कौन नहीं था, उसके ऊपर उनका जवाब आने से तुरंत कार्रवाई की जाएगी। अभी उनके जवाब का वेट कर रहे हैं क्या कुछ होता है। चलिए, खैर अपनी कार्रवाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुनील राय हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब आपको बता दें जो कलेक्टर है उन्होंने भी कार्रवाई यहां पर की है और जो डॉक्टर है उनके जवाब का अब इंतजार यहां पर है, क्योंकि कलेक्टर ने नोटिस जारी कर दिया है उन्हीं अनुपस्थित डॉक्टर। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।